हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं, उनमें से कई लोग शांत स्वभाव के होते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसे लोगों से आम तौर पर दूरी बना के रखना ही अच्छा होता है। आज हम आपको ऐसे ही 7 लोगों के बारे में बताएंगे जिनसे लड़ना पूरी तरह से बेवकूफी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि पहले नंबर वाला इंसान आपके होश उड़ा देगा। 7वें नंबर पर है डैनेला डेंगेलो। डैनेला ने 14 साल की उम्र से ही शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। बचपन से ही डैनेला को एक शार्प शूटर बनना था। 16 साल की उम्र में डैनेला पूरी तरह से प्रोफेशनल शूटर बन चुकी थी। 16 साल की उम्र में डैनेला इतनी शानदार शूटिंग करती थी कि अच्छे अच्छे शूटर्स के भी होश उड़ जाते थे। डैनेला ने बहुत सारे शूटिंग कंपटीशन खेले और उनका आज तक का रिकॉर्ड है कि वो एक भी कंपटीशन हारी नहीं है। डैनेला के निशाने इतने सटीक होते हैं कि धुरंधर निशानेबाज भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। 6 नंबर पर है ल्यूकास नोवाटनी। ल्यूकास को अगर कलयुग का अर्जुन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए ल्यूकास 21 साल की उम्र में अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर ल्यूकास ने तीरंदाजी की प्रैक्टिस शुरू कर दी। ल्यूकास ने अमेरिका में काफी कंपटीशन खेले जिनका अंदाजा आप उनके टेबल पर रखे मेडल से लगा सकते हैं। ल्यूकास तीरंदाजी में इतने माहिर हैं कि वो दौड़ते हुए घोड़े पर बैठकर सटीक निशाना लगा सकते हैं। ल्यूकास ने सालूकी नाम की अपनी कंपनी भी बनाई है जिसमें वो तीर और धनुष बनाते हैं। उनकी कंपनी आज अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध कंपनीज में से एक है। 5वें नंबर पर है विटो पीर बाजारी। विटो पेशे से एक बॉडी बिल्डर है। जर्मनी के रहने वाले विटो 17 साल की उम्र में फिटनेस की दुनिया में आए। विटो एक फिटनेस मॉडल और ब्लॉगर भी है। विटो ने कई टीवी सीरीज और मूवीज में काम भी किया है। नेटफ्लिक्स पर आई डॉग्स ऑफ बर्लिन में भी इन्होंने काम किया। विटो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वे अपने डेली रूटीन्स और वर्कआउट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालते रहते हैं। 4 नंबर पर है मीना राघवन। भारत की रहने वाली मीना राघवन दुनिया की सबसे बुजुर्ग मार्शल आर्ट ट्रेनर है। मीना काला रिपियाटू नाम की मार्शल आर्ट फॉर्म सिखाती है। मीना ने 7 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और 14 साल की उम्र में वो पूरी तरह से मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो गई थी। मीना राघवन 74 साल की हो चुकी हैं और अपनी एक मार्शल आर्ट एकेडमी चला रही हैं। 3 नंबर पर है माइंडी केले। माइंडी ने महज 4 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। माइंडी ने कई कॉम्पिटिशन खेले और काफी बड़े बड़े टाइटल जीते। मांडी का सपना था कि वे किसी एक्शन मूवी में लीड रोल करें, पर आज तक उन्हें सिर्फ एक्शन सीन कोरियोग्राफ करने की ही मौके मिलते हैं। मांडी का मानना है अगर आप किसी को अंजाम तक पहुंचाने की ठान लेते हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मांडी ने काफी सालों की कड़ी मेहनत के बाद इतनी बुलंदियां हासिल की कि अब लोग उन्हें लेडी शिनचैन के नाम से बुलाते हैं। 2 नंबर पर है जेडी एंडरसन। जेडी एंडरसन देखने में एक मोटा थुलथुला सा व्यक्ति लगता है, पर जेडी ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिनकी वजह से उनका नाम 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। जेडी इतने स्ट्रांग है कि वो अपने एक हाथ से मजबूत फ्राइंग पैन को मोड़ देते हैं, अपने दांतों से लकड़ी के 2 हिस्से कर देते हैं और अपने एक मुक्के से कंक्रीट के मोटे से मोटे शीट को तोड़ सकते हैं। यही नहीं, जेडी ने अपने सर से 12 मोटी मोटी बर्फ की सिल्लियां तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। जेडी आज दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति में से एक माने जाते हैं। 1 नंबर पर है गीगा उगुरु। गीगा एक रियल लाइफ निंजा है। 6 साल की उम्र में गीगा ने ताइक्वांडो की क्लासेस ज्वाइन की क्योंकि वे फिल्मों में दिखाई जाने वाली सुपर हीरोज की तरह बनना चाहती थी। ताइक्वांडो की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गीगा ने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू की और साथ ही बॉक्सिंग करना भी सीखा। फिर उन्होंने एक्रोबेट की ट्रेनिंग की जिससे उनका शरीर और भी लचीला हो गया और फुर्तीला भी बन गया। अब गीगा अपने खुद की ट्रेनिंग क्लासेस चलाती है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें और कमेंट्स में बताइए कि आप आगे कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।